नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। रात के 10 बजे हमें फोन आया और सूचना मिली कि एक घर में एक साथ दो सांपों को देखा गया है। उनमें से एक बिल में छुपा है तो दूसरा सांप एक बड़े मेंढक को पकड़कर बैठा है। हम तुरंत यहाँ पर आए हैं तो आप भी देख सकते हैं, वाकई इस सांप ने अपने से बड़े साइज के मेंढक को अपना शिकार बनाया और अभी यहाँ बैठकर आराम से उसे निगल रहा है। दोस्तों, ये ग्रीन किलबैक स्नेक है। मराठी में इसे गौत्या के नाम से जाना जाता है और इसका कलर टोटली हरा होने के कारण ये हरियाली या घासों में बिल्कुल ही गायब सा हो जाता है, इसलिए इस सांप को ग्रास स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी तरह से विषहीन होता है, लेकिन नॉन वेनमस स्नेक्स की लिस्ट में ये एकमात्र ऐसा सांप है जिसके काटने पर काटी गई जगह में जलन होती है और हमें ऐसा लगता है कि किसी विषैले सांप ने हमें काट लिया हो। ये सांप वैसे देखा जाए तो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन गुस्सा होने पर अपनी गर्दन को चपटा करके उसे ऊपर उठाते हैं, जिससे ये कोबरा के फन जैसा दिखता है। इस खूबी के कारण कुछ इलाकों में इसे हरा नाग के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये अपने से बड़े मेंढक को कितने आराम से निगल रहा है। आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि सांप अपने से बड़े शिकार को कैसे निगल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण उसके मुंह की बनावट और उसमें पाए जाने वाले मसल्स होते हैं। किसी भी सांप का मुंह 180 डिग्री में खुलता है। जब वह किसी शिकार को पकड़ता है तो उसके मुंह की पेशियां उसे अंदर ढकेलने में मदद करती है, जिसके चलते वह बड़े से बड़े शिकार को भी आराम से निगल सकता है। इस सांप ने भी अपने शिकार को पूरी तरह से निगल लिया है और अभी आराम करने के लिए किसी जगह की तलाश में है, लेकिन कोई तो है जो इसे परेशान कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये छोटा सा पतंगा इस सांप के सर पर कैसे आराम से बैठा है और सांप भी इसे परेशान हो रहा है। दोस्तों, हम आए तो थे इस सांप का रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर जब हमने इसे शिकार करते देखा तो हमने लोगों को बताया कि इस हालत में इस सांप को पकड़ना उचित नहीं है, क्योंकि इसने बड़े मुश्किल से इस शिकार को पकड़ लिया है तो अभी इसे हैंडल करने के बाद ये उल्टी करके इसे उगल भी सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल ही विषहीन होने के कारण किसी को काटेगा भी नहीं, तो लोग भी इस बात को मान गए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे एक शिकायत की है। उनका कहना था कि आप जब यहाँ पर आए तो आप इस मेंढक को बचा सकते थे, फिर क्यों नहीं बचाया। फिर हमने उन लोगों को समझाया कि भाइयों, इस मेंढक को अगर कोई इंसान मार देता या मार रहा होता तो हम अवश्य ही इस मेंढक को बचा लेते, लेकिन जीव जंतुओं के मामले में कुदरती नियम है कि एक शिकार करता है तो दूसरा शिकार बन जाता है। अगर हम मेंढक को बचाते तो इस सांप का शिकार इनसे छिन जाता, इसलिए हम इकोसिस्टम का नियम भंग नहीं करना चाहते थे और इसीलिए हमने इस मेंढक को नहीं बचाया। दोस्तों, सभी प्रकार के जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आपको भी कहीं पर ऐसा सांप दिखाई देता है तो आप अपने नजदीकी सर्प मित्र को बुलाए और उस सांप का रेस्क्यू करने में उसकी मदद करें, ताकि उस सांप की जान बच जाए और सांप के कारण आपको भी कोई खतरा महसूस न हो।